Now, paper code as question number 55. The locus of foot of perpendicular drawn from center of the ellipse on any tangent. ये मेरे पास एक ellipse given है. X square plus 3 y square equal to 6. It's again very simple problem. काफी problems ऐसी ली हैं हमने class में और मुझे लगता है आप लोगों की सभी की सही होंगी. मतलब ओरिजिन से इस पे किसी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एक तरीका जो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड वन है सभी को स्ट्राइक किया भी होगा. ध्यान से देखें मैंने इस एलिप्स को क्या किया एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम समझिए पहले कि इस एलिप्स पे कोई टेंजेंट है वेरिएबल पॉइंट होगा तो वेरिएबल टेंजेंट होगी. ओरिजिन से हर टेंजेंट पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मुझे लोकस चाहिए. तो ध्यान से देखना अगर मेरे पास टेंजेंट वेरिएबल है तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी वेरिएबल होगा. तो मैंने इस वेरिएबल पॉइंट को एच कॉमा के माना जिसका लोकस निकालना है. ठीक है ना. टेंजेंट क्यों वेरिएबल है अगर मैं कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स ऑब्टेंड होंगी. तो मैंने क्या किया है इस पे कोई एक वेरिएबल पॉइंट माना. कंसंट्रेट करिए क्या मान सकते हैं रूट 6 कॉस थीटा एंड रूट 2 साइन थीटा. तो किसी एक्स वन कॉमा वाई वन अगर कर्व पे लाई करता है तो उस पर हम टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं. एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दें एक्स एक्स वन और वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करें y y1. तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास. इट्स वेरी सिंपल x cos थीटा अपॉन रूट 2 रूट 6 प्लस y sin थीटा अपॉन रूट 2 इक्वल टू 1. नाउ कंसंट्रेट हियर अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इस पर ड्रॉन है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा k अपॉन h. इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा माइनस एच अपॉन के. तो ध्यान से देखिए सेम लाइन जो कि टेंजेंट है उसकी इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी वाई माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन के एक्स माइनस एच. ठीक है ना. ये भी टेंजेंट है दूसरे तरीके भी हो सकते हैं. इसको मैं इसमें रखूं डी इक्वल टू जीरो कर दूं या ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रही है थीटा वेरिएबल है थीटा को एलिमिनेट कर दूं. तो ढंग से देखिए ये है क्या है ये मेरे पास किस फॉर्म में आ जाएगा एक्स एच. ओके एक्स एच ऐसे ही रहने दिया इधर ले गए और प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ओके ये दोनों सेम लाइंस हैं एच के का लोकस निकालना है तो मैंने क्या कंपेयर कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा. ढंग से देखना कंपेयर किया तो कॉस थीटा अपॉन रूट 6 एच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन रूट 2 के इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ओके तो नाउ मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है. ये मेरे पास लोकस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर दो तो फाइनली लोकस क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर 6 एच स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर. ये लोकस आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दूसरी अप्रोच भी हो सकती थी इस लाइन को लिखता ये टेंजेंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान के लाइन लिख दिए इसे कर्व में रख के एक्स में क्वाड्रेटिक बनाता या वाई में क्वाड्रेटिक बनाता और डी इक्वल टू क्या कर देता जीरो. ठीक है ना. तो अगेन इट इज आल्सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम वेरी स्टैंडर्ड वन है और आप में से किसी की भी गलत नहीं हुई होगी. ओके ठीक.